हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हो सब? अच्छे हो? हाँ। और आपकी दीपावली की छुट्टियाँ कैसी मनाई आपने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, इससे पहले हमने स्वरों की पहचान की थी। हमने अ से लेकर अ तक इतने सारे स्वरों की पहचान की थी और हमारी हिंदी अक्षरमाला भाग अ विभक्ति का पूरी है ना बच्चों? हाँ। तो आज हम हमारे नए बुक में नई किताब में पढ़ाई करेंगे जो हमारा है हिंदी अक्षरमाला भाग ओ, और उसमें से पेज नंबर 22, 23, 24 और 25। इस पेज पर हम नए अक्षरों की, नए वर्णों की आज हम पहचान करने वाले हैं। कौन से है नए वर्ण आपको मालूम है? हाँ, तो आज हम पहचान करने वाले हैं वर्ण क और वर्ण ख। तो क यह वर्ण है, तो क से कौन सा शब्द आता है? तो क से आता है कछुआ। ठीक है, क से कमल, क से कछुआ, क से कमल। उसी प्रकार ख से खरगोश, ख से खरबूजा। इस तरह से कई सारे शब्द क इस वर्ण से शुरू होते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये कौन सा चित्र है? कमल। और यह कमल आपको अच्छी तरह से इसको कलर करना है, इसमें रंग भरना है और यहाँ पे आपको क बदल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चित्र है? कबूतर का। हाँ, तो क वर्ण से कबूतर यह शब्द की भी शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि आप पेज टर्न करके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ख से खरगोश, जो घास खाता है ना, हरी हरी घास खाता है और उसको बहुत पसंद है। तो ये ख से खरगोश आता है। तो ख से खरबूजा, ख से खटमल, ख से खरगोश, ख से ये क्या है? खरबूजा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी लाइन है? लेटी हुई लाइन है, उसके बाद खड़ी लाइन है और यहाँ पे क्या है? ये अर्धगोल दिया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस आपको आपके इस बुक में आपको करनी है। ठीक है बच्चों? हाँ। और ये क्या वर्ण है? ये भी आसान है बहुत, है ना? हाँ, यदि आप अच्छी तरीके से पेंसिल का इस्तेमाल करके अच्छे से लिखोगे, ट्रेस करोगे तो आपको ये आसानी से आ सकता है। तो बच्चों, इस बुक में आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, इसके बाद आपकी जो नोटबुक है ना, हाँ, इस नोटबुक में भी आपको क वर्ण और ख वर्ण सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। हाँ बच्चों, हाँ। इसके बाद आपकी बारी आती है हमारे वर्कशीट की। तो आपके पास ये वर्कशीट है ना? हाँ। और हमारे स्कूल का नाम क्या है? हाँ, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेल। हाँ, और यह जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट कौन सी है? क वर्ण। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क वर्ण लिखना है, सिर्फ पूरा अक्षर ही लिखना है। ठीक है? हाँ। और ये क अक्षर लिख कर इसकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। हाँ बच्चों, और क से देखो कितने सारे शब्द आते हैं, क से कलम, क से कबूतर, क से कमल। हाँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन किससे लिखोगे? पेंसिल से। वेरी गुड। उसके बाद बारी आती है ख वर्ण की। तो यह ख वर्ण जो है, यह आपको यहाँ पे लिखना है। ख से खरगोश, ख से खटमल। हाँ, और यदि आप पेज टर्न करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खटमल। और यहाँ पे मैंने कितनी बार लिखा? देखो, 1, 2, 3, 4, 5। यस, तो आपको ये 5 बार अच्छे से लिखना है गुड हैंड राइटिंग में। और जो बच्चे अच्छे गुड राइटिंग में लिखेंगे, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे, हाँ, उनको मैं देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ? हाँ, बड़ा स्टार। तो सभी बच्चों को बड़ा स्टार चाहिए, है ना? हाँ, तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और वर्ण को
बच्चों आज हमने वर्ण क और ख वर्ण की पहचान की है। ठीक है, इसके आगे की पढ़ाई हम